लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में किसान एकजुट होकर भाजपा का करेंगे विरोध, अगर नहीं मानी मांगे। तहसील के सामने हरियाणा सरकार का किया पुतला दहन। पिछले 6 महीने से रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए किसान केएमपी के पिपली टोल पर धरना दे रहे हैं, लेकिन खट्टर सरकार किसानों की मांगों को लगातार अनसुना कर रही है। आज किसानों ने काफी की संख्या में इकट्ठे होकर खरखौदा शहर में मार्च निकालकर तहसील के सामने हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया एवं एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारी किसानों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि वे आंदोलन के माध्यम से मुआवजा बढ़वाएंगे और कमिश्नर की कोर्ट में केस बिल्कुल नहीं करेंगे। इस दौरान किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने कहा कि बीजेपी सरकार से ज्यादा किसान विरोधी सरकार एवं मुख्यमंत्री हरियाणा के इतिहास में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में किसान एकजुट होकर भाजपा का विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि किसान अधिकार यात्रा 2 अगस्त से पानीपत के इसराना ब्लॉक से शुरू की जाएगी और उसके बाद पानीपत सोनीपत के 200 गांवों से होते हुए 10 सितंबर को गोहाना पहुंचेगी, जहां नई अनाज मंडी में विशाल किसान महापंचायत की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अभी तो मात्र चंद एकड़ जमीन सरकार अधिग्रहण कर रही है, लेकिन निकट भविष्य में आईएमटी फेज 2 व अन्य परियोजनाओं के नाम पर सरकार हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण करने जा रही है, जिससे किसानों को भारी भरकम नुकसान होगा। इसलिए आज किसानों को पूरी ताकत के साथ एकजुट होना चाहिए। किसान नेता विजेंद्र दहिया ने बताया कि आगामी 6 महीने में यूनियन के पदाधिकारी गांव-गांव में जाकर वर्तमान भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक एवं एकजुट करेंगे। इस दौरान वतन दहिया, देवेंद्र, राजू, बड़ा थाना कर्मवीर, कृष्ण तुर्कपुर, विजेंद्र मटंडू, समुन्दर तोमर, गौरव शक्ति, सिसाना बेदी उर्फ वेद प्रकाश, गोपालपुर देशपाल दहिया, बस्ती रोहना, बुधराम सिंह कोहाड़, अजय कुमार छिनौली, प्रवीण, संजय दहिया, प्रहलादपुर किदुली, इंद्रजीत राणा, राजेंद्र राणा, सोहटी कुलबीर, राज सिंह हलालपुर, प्रवेश खांडा, विजय सरोहा, बयानपुर समेत किसान मौजूद रहे। खरखौदा में सैकड़ों किसानों ने इकट्ठे होके पूरे खरखौदा में पहले तो जुलूस मार्च निकाला, उसके बाद तहसील के सामने आके हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। पिछले 6 महीने से केएमपी के पिपली टोल पे हमारा किसान आंदोलन चल रहा है और हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है कि जो केएमपी के साथ रेलवे कॉरिडोर के लिए जमीन एक्वायरमेंट की जा रही है, केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा दे के हमारा कलेक्टर रेट दुगुना किया जाए और जो हमारी जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए वो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार होना चाहिए और उसी कानून के अनुसार हमें कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। अभी हमने सबने ये तय किया है कि आगामी 2 अगस्त से हमारी पानीपत के इसराना ब्लॉक से किसान अधिकार यात्रा शुरू होगी और वो यात्रा अगले 1 महीने में पानीपत सोनीपत के सैकड़ों गाँव में जाएगी और उसके बाद 10 सितंबर को गोहाना की नई अनाज मंडी में बड़ी महापंचायत करी जाएगी और उस महापंचायत में किसानों द्वारा भाजपा जजपा के गठबंधन के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो उसके लिए सारे किसान कमर अपनी कस चुके हैं और आज पूरे खरखौदा में सैकड़ों किसानों ने अपनी जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए जुलूस मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। बात ऐसी है जी, हमारे खरखौदा में आज जिस मान सम्मान किया जिस आदमी का, उस आदमी के बारे में इन लोगों को पता नहीं कैसा गया हुआ इंसान है, क्योंकि आंदोलन के टाइम में इसी वेंदई चोटी वाले ने सिंगू बॉर्डर पर किसानों की शिवजी में रेट डाला था को 400-500 आदमियों की में, और उसको आज हमारे खरखौदे में सम्मानित किया जाया किसानों द्वारा। थुक है उन किसानों को जिन्होंने उसको सम्मानित किया है। हैदोती है, बेसहमी की भी हैदोती है। ऐसे इंसान को जो देश का कमाऊ वो अपने खाने के लिए भोजन बनाता है, उसमें रेट डालता है, जो कुछ घटिया इंसान कौन होगा भाई। घटिया इंसान तो वो जो मान सम्मान करते हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए, पहले पूछना चाहिए वो कैसा आदमी है, कौन है, ये क्या है क्या नहीं। वैसे किसी को बुला के किसी का भी सम्मान करते हैं बहुत ही गलत बात है, स्वयं सहाय है, खासकर हमारे दैया के आदमी की। दैया के बेचारे खाई को देखा जागर पिस्तल है, वहां पे बुला के ऐसे आदमी का सम्मान किया। वैसे तो कुंडली बॉर्डर पे 13 महीने आंदोलन चला, किस दैया का बहुत बड़ा नाम चलता था वहाँ। कुंडली बॉर्डर पे लंगर चलते थे काफी, जो उन किसानों के विरोध में आदमी काम करता है, गंदा काम करता है, मिट्टी तक की उनकी सब्जी में डालता है, उसको मान सम्मान देते हैं ये लोग। थुक है उन लोगों को। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।